लाख कोशिशों के बाद पुलिस की सीरत बदलने का नाम नहीं ले रही। आए दिन खाकी के कारनामों से खुद खाकी के दामन पर दाग लग रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ रामगंगा नदी में एक महिला का शव सड़ी गली अवस्था में मिला था। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने जबरिया एक नाबालिग से ये शव उठवा लिया। जब बदबू के कारण नाबालिग ने इसे उठाने से इनकार किया तो उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उठवाया गया, जबकि वहां मौजूद पुलिस वाले इसका वीडियो बनाते रहे। वही पुलिस के डर से भीड़ में भी कोई नहीं बोला। और आज ये वीडियो जब मीडिया में आया तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सर, कल थाना क्षेत्र में एक शव मिला था जो रामगंगा किनारे मिला था, क्या था ये पूरा मामला? शव मिला था, हम गए थे तो शव में उसमें खुला था, ऊपर गंगा जी के किनारे था और उसमें जो है लग रहा था 5-7 दिन के पहले के डेड बॉडी रही होगी, पीरियड पड़े थे, महिला की डेड बॉडी थी, बाला बाल थे और कपड़े थे, सलवार कुर्ता पहने। अच्छा सर, एक इसमें वहाँ जो है एक बच्चे ने उसे शव को निकाला था, ये क्या पूरा मामला था? वहाँ पुलिसकर्मी जो थे सब खड़े हुए थे साइड में। बांदा जिले में इन दिनों पानी की समस्या को लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से शहर में पानी की सप्लाई नहीं है, जिसको लेकर आज लोग जिलाधिकारी के पास पहुंचे और शिकायत कर समस्या के समाधान की बात कही। मुरैना में तेज रफ्तार से दौड़ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूली छात्रा को रौंद दिया। छात्रा स्कूल जा रही थी, वहीं उसने मौके पर ही इस हादसे के बाद दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली रेत की ढुलाई कर रही थी। घटना से गुस्साए लोगों ने अंबाह रोड पर शव को रखकर ट्रैफिक जाम कर दिया। मऊ जनपद के कसावा मोहल्ले में पुलिस ने कई दिनों से अवैध चल रहे स्लटर हाउस पर छापा मारकर 24 भैंसे और असलहों सहित कई किलो कटा मांस बरामद किया है। इस दौरान अवैध तरीके से मांस बेचने वालों में अफरा तफरी मच गई है। हाँ सर, किस तरह की कार्रवाई हुई है आज यहाँ पे? सिटी साहब और मजिस्ट्रेट साहब को लगाया गया था, दबिश की गई और यहाँ बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 23 जो पशु हैं वो बरामद हुए हैं। बहुत भारी मात्रा में मांस बरामद हुआ है जो अवैध रूप से कटान में रखा गया था। 10 लोग लगभग हिरासत में लिए गए हैं, बहुत गाड़ियाँ मौके से सीज की गई हैं और पूरा एक एक प्रांगण का जितना एरिया है उसको सर्च कराया गया है, जिसके यहाँ से भी ये मांस बरामद हुआ है, उन सबको इसमें मुलजिम बनाया जाएगा। उसके अलावा काटने के जितने सामान थे, जो भी चीज़ें थी, केले थे जिन पर लाद के ले जाया जाता था, बेचा जाता था, वो सब सीज किया गया है। अभी ये कार्रवाई जारी है और इसको जल्दी संपूर्ण किया जाएगा। जो मांस मिला है उसकी सैंपलिंग करा के मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, सैंपलिंग करा के उसको टेस्ट के लिए भी भेजा जाएगा कि किस प्रकार का इसमें मांस अमाउंट है। ये कार्रवाई जारी है। सर, सावन को भी लेके ये कार्रवाई मानी जा रही है क्या, सावन के महीने जो चल रहे हैं? नहीं, ये तो रूटीन कार्रवाई है, जब भी शिकायत मिलती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, यहाँ की शिकायत थी उसी पर कार्रवाई की। ठीक, थैंक यू। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगते ही महिला ऑटो से गिर पड़ी। दिन दहाड़े इस वारदात से हड़कंप मच गया। गोली चलते देख ऑटो चालक ऑटो छोड़कर फरार हो गया। वही महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला को गोली मारने का कारणों का अभी पता नहीं चल सका। अस्पताल पहुंचते पहुंचते महिला की मौत हो गई। महिला का नाम रेखा बताया जा रहा है। सर, एक महिला को सरेआम गोली मार दी है, आपके आवास से कुछ ही दूरी पर, क्या हुआ? एक मामला अभी लाल कुर्ती थाने का डायल 100 सूचना मिली थी। कोई महिला थी और उसको पीछे से आके एक व्यक्ति ने गोली मार दी है तमंचे से। कुछ आपसी रंजिश का मामला इनका लगता है। अभी पुलिस टीमें लगी हैं, सत्यापित कर रही हैं सारी चीज़ें। बिजनौर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश काफी समय से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, 12 बोर, 1 तमंचा, 315 बोर, 1 चाकू और घटना में प्रयोग होने वाले 1 कार को बरामद किया है। जनपद बिजनौर थाना कोतवाली देहात की पुलिस टीम ने
संयुक्त ऑपरेशन करते हुए 4 अपराधियों के गैंग को आज पकड़ा है। चारों अपराधियों का काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से 2 हिस्ट्री शीटर हैं। टॉप 10 अपराधियों की जो लिस्ट है उसकी सूची में इन सभी का नाम है। इन लोगों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से एक बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है, तमंचे बरामद हुए हैं। यूपी की बिजनौर पुलिस ने पति की हत्या करने वाली पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला ने शक के कारण अपने पति की हत्या की थी। देवरिया की सलेमपुर तहसील में स्थित बाबा दीर्घेश्वर नाथ का शिव मंदिर और सोहागरा धाम में स्थित भोलेनाथ का शिव मंदिर, जिसे बाबा हंसनाथ के नाम से जाना जाता है, दोनों ही धाम पौराणिक कथा में से एक है। दोनों ही जगह सावन के महीने में भक्तों का तांता लग जाता है और भक्त दोनों ही जगह भोलेनाथ के दर्शन कर अपने को धन्य समझते हैं। राजस्थान के बाड़मेर की बात करते हैं, जहां ग्राम पंचायत मिठड़ा खुर्द में पशु शिविर के चारे में अभाव से हर दिन पशु मर रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने सहायक कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि 50 से ज्यादा गाय मरी पड़ी है और प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन मौन बैठा है। बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत मिठड़ा खुर्द में जल शक्ति अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों से जल बचाने और पौधे लगाने की अपील की। वहीं लोगों को पौधों के बारे में बताया।